दिल्ली कैपिटल्स ने पलट दिया पॉइंट्स टेबल का गणित। विराट की आरसीबी टेबल में 10वें नंबर पर उठी। दिल्ली ने लखनऊ को हराकर बदला आईपीएल का हिसाब। दिल्ली से हारकर लखनऊ तीसरे स्थान से चौथे पर फिसली। आईपीएल के 17वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स को 6 मैच में दूसरी जीत आखिरकार मिल ही गई। टीम ने शुक्रवार को लखनऊ सुपर जॉइंट्स को उसी के होम ग्राउंड पर 6 विकेट से हराया। इस हार से एलएसजी पॉइंट्स टेबल में टॉप 3 से बाहर होकर चौथे स्थान पर पहुंच गई। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स 4 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर पहुंची। इससे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को नुकसान हुआ और टीम 2 पॉइंट्स लेकर आखिरी नंबर पर पहुंच गई। आज टेबल टॉप पर राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला 8वें नंबर पर मौजूद पंजाब किंग्स से होगा। आरआर को हराकर पीबीकेएस मुंबई से आगे निकलकर टॉप 5 में भी आ सकती है। 17वें सीजन में आरसीबी के विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा रन है। वहीं एमआई के जसप्रीत बुमराह 10 विकेटों के साथ गेंदबाजों में टॉप पर है। दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 168 रन का टारगेट 18.1 ओवर में हासिल किया। एलएसजी ने होम ग्राउंड्स पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी और 94 रन के स्कोर पर अपने 7 विकेट गंवा दिए। यहां से भी टीम ने 167 रन का स्कोर खड़ा किया, लेकिन यह स्कोर दिल्ली के लिए काफी नहीं साबित हुआ। दिल्ली की गुरुवार को दूसरी जीत रही। इससे पहले टीम ने विशाखापट्टनम में चेन्नई सुपर किंग को हराया था। अब डीसी के 4 पॉइंट्स हो गए और टीम पॉइंट्स और रन रेट में आरसीबी से आगे निकल गई। पंजाब और मुंबई के भी 4-4 पॉइंट्स ही है, लेकिन खराब रन रेट के कारण दिल्ली 9वें स्थान पर है। होम ग्राउंड पर सीजन में पहली हार के बाद लखनऊ को नुकसान हुआ। टीम को 5 मैचों में दूसरी हार मिली। इससे पहले टीम को राजस्थान से भी हार का सामना करना पड़ा था। अब एलएसजी 3 जीत के बाद 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर खिसक गई। एलएसजी के अलावा सीएसके और केकेआर के भी 6-6 पॉइंट्स हैं, लेकिन दोनों टीम बेहतर रन रेट के कारण टॉप 3 में है। वहीं एसआरएच और जीटी खराब रन रेट के कारण 6-6 पॉइंट्स के बावजूद एलएसजी से नीचे है। आज पंजाब के टॉप 5 में पहुंचने का मौका है। आईपीएल के 17वें सीजन में आज पंजाब किंग्स का सामना टेबल टॉपर राजस्थान रॉयल्स से होगा। मुकाबला मुलालमपुर में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पंजाब 5 मैचों में 2 जीत और 3 हार से 4 पॉइंट्स लेकर 8वें स्थान पर है। मुंबई के भी इतने ही पॉइंट्स हैं, लेकिन खराब रन रेट के कारण पंजाब नीचे है। आज अगर पंजाब को जीत मिलती है तो टीम 6 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर पहुंच जाएगी। टीम का रन रेट 6ठे नंबर पर मौजूद गुजरात से बेहतर है। वहीं 80 से ज्यादा रन के अंतर से जीत पर पंजाब एसआरएच को पीछे कर 5वें नंबर पर पहुंच सकती है। हारने पर टीम 8वें नंबर पर ही रह जाएगी। राजस्थान हारकर भी नंबर 1 पर ही रहेगी। राजस्थान रॉयल्स के 5 मैचों में 4 जीत में 8 पॉइंट्स है। टीम टॉप पर है और आज मुकाबला हारने पर भी टीम पहले नंबर पर ही रहेगी, क्योंकि उनसे नीचे 5 टीमों के 6-6 पॉइंट्स ही है। वहीं पंजाब को हराकर राजस्थान 10 पॉइंट लेकर पहले नंबर पर अपनी स्थिति मजबूत कर लेगी। ऑरेंज कैप में विराट ही टॉपर पर है। आरसीबी के विराट कोहली 6 मैच में 319 रन बनाकर टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर है। उनके पास ऑरेंज कैप है। दिल्ली के ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स शुक्रवार के मैच के बाद 6ठे और 7वें नंबर पर पहुंच गए। आज आरआर के रियान पराग 49 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल कर सकते हैं। संजू सैमसन भी 74 रन बनाकर टॉप पर पहुंच सकते हैं। आईपीएल से जुड़ी इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।